दोस्तों, वल चाणक्य के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। चाबहार चाहर बहार का संक्षिप्त रूप है। फारसी में चाहर का मतलब चार और बहार का मतलब बसंत ऋतु होता है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी जगह जहाँ की चारों ऋतु बसंत ऋतु है। ऐसी सुंदर जगह से किसको न प्यार हो जाए, लेकिन भारत को इससे प्यार करने का एक और ही कारण है। जी हाँ, ये चाबहार के दो बंदरगाह है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, भारत का मध्य एशिया के देशों से सालाना व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है, जिसमें से 1 बिलियन के करीब सीधा व्यापार अफगानिस्तान से होता है। यदि भारत के पास जम्मू और कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र होता, भारत के पास अफगानिस्तान से होकर मध्य एशिया के लिए सीधी मार्ग होती। लेकिन गिलगित पाकिस्तान शासित है और पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान के लिए सीधा रास्ता नहीं देता। इसने भारत के आकांक्षाओं को अवरुद्ध किया है। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य पूर्व से भारत के लिए एक अस्थायी मार्ग खोलता है। चाबहार मार्ग शिपमेंट कॉस्ट में 60% और शिपमेंट टाइम में 50% की कमी करता है। भारत ने चाबहार के इर्द गिर्द बंदरगाह और अन्य उद्योग लगाने के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की ईरान और अफगानिस्तान के साथ करार किया है। अब जब भारत चाबहार के एक बंदरगाह यानी शहीद बेहिश्ती बंदरगाह को शुरू कर रहा है, भारत को पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना आसान हो जाएगा। भारत ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए और अफगानिस्तान में खनन के परियोजनाओं में और 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। हम भारत के अफगानिस्तान में हितों पे अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। चाबहार के फायदे केवल आर्थिक लाभ नहीं है। चीन की उपस्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से बढ़ रही है, खासकर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को चाइना को 40 साल के लीज पे सौंपना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का द्वार है। चाबहार की पहुंच जो कि ग्वादर से मात्र 72 किलोमीटर है, ग्वादर में चीनी उपस्थिति को शून्य बना देता है। चाबहार बंदरगाह भारत के फारखोर एयरबेस के लिए भी ताजिकिस्तान से सीधी पहुंच देता है, जिसका हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। चाबहार ओमान की खाड़ी में स्थित है, जिससे होकर विश्व की 1/3 तेल की समुद्री खेप गुजरती है। यह ईरान का पहला गहरी समुद्र वाला बंदरगाह है और इसलिए यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। अतः यह भारत के आर्थिक निवेश के लिए शुभ संकेत है। संपूर्ण रूप से चाबहार एक बड़ी रणनीतिक पूंजी है और भारत को अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भारत के मध्य एशिया के देशों से रिश्तों के बारे में जानना है तो हमारा पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक बार फिर अगली एपिसोड में जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।